नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूँ राम विश्वकर्मा। कहते हैं किसी सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई औरत जरूर होती है। ये वो कहावत है जो हिंदुस्तान में खूब मशहूर है, लेकिन किसी बर्बाद होते इंसान के पीछे उसकी पूर्व बीवी के मजे हो सकते हैं। ये नई नई कहावत ताजी ताजी पककर तैयार हुई है पाकिस्तान के सियासी कुकर में, जिसे हमने झट से आपके लिए परोस दिया। अब ज्यादा सोचिए मत, हम ही आपको बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान में पीएम इमरान खान इन दिनों बेहद परेशान चल रहे हैं। उनकी परेशानी का सबब है उनकी हाथ से जाती सरकार और खिसकता पीएम का पद। वहां के सियासी हालात ऐसे हैं जिसमें इमरान सरकार की उल्टी गिनती चल रही है। सरकार बचाने के रास्ते दिख नहीं रहे और जनाब इमरान दिल पर इस बात का घाव लिए पड़े हैं चारों खाने चित। लेकिन जैसे उनके इतने ही जख्म काफी नहीं थे, क्योंकि उनके जख्मों पर गरम मसाला घिसने उनकी पूर्व पत्नी चली आई। इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान इस परेशानी भरे दौर में भी अपने दिल की भड़ास निकालने से नहीं चूकी और धड़ से एक जलता भुलता ट्वीट दाग दिया इमरान की ओर। उन्होंने अपने इस ट्वीट में मजे लेते हुए इमरान खान को बेअक्ल बता दिया। इस ट्वीट में वो लिखती हैं कि इमरान खान बेअक्ल इंसान हैं, इसी वजह से उन्होंने 10 महीने में ही उनको छोड़ दिया था। जाहिर है रेहम खान की ऐसी जली कटी से मिर्ची इमरान खान को लगी तो खूब होगी, लेकिन मजाल क्या कि वजीर आजम के चेहरे पर कोई शिकन आ जाए या उनके ट्वीट से कोई जवाब निकल जाए। इस तरह की बातों से लगता है वो पूरी तरह से इम्यून हो गए हैं और जता रहे हैं कि उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कभी क्रिकेट की पिच पर धमाल मचाने वाले इमरान सियासत की पिच पर खिसकती पारी में भी पूरे हौसले से डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो और बात है कि ट्विटर हैंडल के जरिए अपनी भड़ास निकालने वाली रेहम खान उसके बाद मीडिया के सामने भी आई और वहां उन्होंने रही सही कसर भी निकाल डाली। इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने कहा कि इमरान के इस्तीफे का वक्त भी अब निकल चुका है, अब कुर्सी तो उनकी बचने वाली नहीं। ऐसे में वो क्रिकेट तो खेल नहीं सकते, तो उनको अब स्टैंड अप कॉमेडी ही कर लेनी चाहिए। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने तो ये तक कह डाला कि पता नहीं पाकिस्तान की जनता ने उन्हें 4 सालों तक कैसे झेला, क्योंकि वो तो उन्हें 10 महीने भी झेल नहीं पाई थी। गौरतलब है कि साल 2014 में इमरान खान से पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश पत्रकार रही रेहम खान ने शादी की थी, जो 10 महीने में ही टूट गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।